नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। देवरिया लोकसभा चुनाव में जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे, वैसे प्रचार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार की तेजी से बढ़ाती जा रही हैं। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के बैकुंठपुर बाजार में महागठबंधन के मंच पर पूर्व विधायक गजलाल लारी ने बीजेपी के प्रत्याशी रमापति राम त्रिपाठी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे प्रत्याशियों के आसपास आम जनता जाने से पहले अपने स्तर पर हेलमेट लगा के, अन्यथा इनके पुत्र पूर्व सांसद जूते चप्पलों से स्वागत करने लगते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करते हुए बीजेपी पार्टी को कहा कि भाजपा नहीं है, यह भागपा है, क्योंकि यह पार्टी अब भाग रही है, महागठबंधन से डर रही है। उसी कारण हमारे प्रत्याशियों से हर जगह तानाशाही दिखाई जा रही है। मंच से ही पूर्व विधायक गजलाल लारी ने लोगों के विकास के लिए कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल को अपना कीमती मत देकर विजयी बना देंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम यह करेगी। ऐसा है कि जो ये प्रत्याशी महोदय आए उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं, भाई आप जाइए यहाँ से, लेकिन जाइएगा तो एक बात याद रखिएगा कि हेलमेट पहन कर जाइएगा, नहीं तो आपके वहाँ बेटे जूता लेकर खड़े हो गए आपको स्वागत करने के लिए तैयार। नहीं है कि ये लेकर के आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, इनसे जब ये आते हैं क्षेत्र के अंदर जिनसे सवाल पूछा जाए, मुद्दों की बात है, विकास की बात है, इनके पास कोई शब्द नहीं होगा विकास के लिए, ना ये कभी किए हैं ना कभी करेंगे, ये हमेशा ध्यान भटकाने की बात करेंगे और आकर के लोगों को आपस में नफरत फैलाएंगे, गंगा जमुनी तहजीब को ये लोग खराब करने का काम करेंगे, बस इनके पास यही मुद्दा।